नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क मेड का केक या कंडेंस मिल्क केक बिना अंडे वाला। इसके लिए मुझे चाहिए 1 पाव मैदा। हम इनको छान लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। हम इसको छान लेंगे। अब हम एक पॉट में ये मैदा लेंगे जिसमें हमने वो छान के डाला हुआ था, उसमें हम ऐड करेंगे मेल्टेड बटर। ये करीब 100 ग्राम है, हम इसको इसमें मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क 500 ग्राम है ये, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। इसमें दूध और शक्कर नहीं डलता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 1 कप के करीब। केक का बैटर अच्छे से हमने फेंट लिया है। अब हम इसको एक ग्रीस लगे कंटेनर में डाल देंगे। इसको हमने पहले ग्रीस करके रखा हुआ है और छोटा सा पेपर का टुकड़ा हमने इसमें डाल दिया है। अब हम केक को प्री हीट ओवन में रखेंगे 175 डिग्री पर। इसके लिए हम पहले बॉटम में रखेंगे, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद हम बोथ पे रख देंगे। 20 मिनट के बाद हमने इसको बोथ पे कर दिया है। अभी 45 मिनट्स के बाद केक बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको ओवन से निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा फूल गया है केक। वाह, क्या मस्त है। जो इसमें क्रैक्स आ गए हैं उसका कारण है कि वो बहुत अच्छे से फूला है, और जब हम आइसिंग करेंगे तो इसको निकाल देंगे। तो है ना मज़ेदार, एकदम सॉफ्ट केक। तो आपको हमारी केक की रेसिपी कैसी लगी, कृपया कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। बनाइए, खाइए और बताइए कि कैसा बना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।